श्री गुरुवे नमः नमस्कार। मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रोतक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आज तक का एस्ट्रोतक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों को लेके आता है। आज तमाम आप लोगों के रिक्वेस्ट पर तमाम आप लोग मैसेज करते रहते हैं कि गुरु जी हमारे घर में गृह क्लेश की समस्याएं बढ़ गई है, पति के साथ, पत्नी के साथ और तमाम भाई भाई के साथ कई प्रकार के गृह क्लेश उत्पन्न हो गए हैं। अब उन गृह क्लेशों का अब मैंने सोचा कि इतने लोगों को तो हम लगातार जवाब नहीं दे सकते, तो उन्हें राशि के अनुसार, चूंकि व्यक्ति के चित्त वृत्ति का सब मूल कारक उसका राशि होता है, तो राशि के अनुसार ही कैसे अपने गृह क्लेश को आप समाप्त कर सकते हैं उसका महा उपाय लेकर मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कि वृश्चिक राशि वाले जातक कैसे अपने जीवन से गृह क्लेश को समाप्त कर सकते हैं। हम सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कहेंगे कि आप अपने क्रोध पर सबसे अधिक नियंत्रण करें। वृश्चिक राशि वाले जातक अत्यधिक भावुक होते हैं और थोड़ा क्रोध उनके अंदर सामान्य तौर से अधिक पाया जाता है। सबसे पहले आप भगवान शंकर को स्नान करवाएं, तो आपको भगवान शंकर को स्नान कराते वक्त जल और मधु का प्रयोग करना है। जल मधु मिश्रित कर भगवान शंकर का उसका अभिषेक करें। जितना अधिक से अधिक हो सकता है आप जल से व्यक्तियों की सेवा करें, जल दान करें, अधिक से अधिक लोगों को जल पिलावें। हो सके, संभव हो सके तो आप आज के दौर में कहीं चापाकल लगा सकते हैं, नलका बना सकते हैं, कुआं, बावड़ी, जो भी हो सके, संभव जितना हो सके कि जल वृश्चिक राशि वाले यदि चाहते हैं कि उनके घर में गृह क्लेश की समाप्ति हो जाए तो जल का प्रयोग स्वयं भी अधिक करना है, स्वयं भी जल पर्याप्त मात्रा में पीना है, घर के लोगों को भी जल पिलाना है और बाहर जल दान करना, और जल में थोड़ा मीठा मिला दे, मधु थोड़ा सा मिला दे और मिलाकर लोगों को पिलाए, नहीं मधु तो चीनी मिला दे, गुड़ मिला दे, शक्कर, कुछ भी मिलाकर मीठा जल को कर लोगों को, रास्ते चलते हुए लोगों को जल जरूर दान करें। जल दान करना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अमृत के समान सिद्ध होता है। साथ ही साथ संध्याकालीन आपको गुड़ और चने का भोग लगाना है। आपके घर में जो इष्ट देवता हैं, इष्ट देवता को गुड़ और चने का भोग निश्चित तौर पर संध्या काल में लगाना है। एक दीप जलानी है, वो भी सरसों तेल की। ध्यान रखें वृश्चिक राशि वाले जातक गृह क्लेश से शांति चाहते हैं तो सरसों तेल का दीप जलाना होगा उत्तर दिशा में निश्चित तौर पर प्रत्येक दिन, और जब दीप जलाएं तो दीप के ही पास जाकर बैठ जाएं, संभव हो सके तो घर में कोई लाल आसनी कंबल का आसन हो तो वो ले लें या कुशासन ले लें। ध्यान रखें कि काले आसन का या काले कपड़े पहनकर कभी भी दीप ना जलाएं वृश्चिक राशि वाले जातक, ना ही जाप करने के लिए बैठे। इसका आपको संध्या काल में विशेष ध्यान रखना है कि आपके शरीर में कोई काला वस्त्र नहीं होना चाहिए। आप बैठे और बैठकर चूंकि वृश्चिक राशि के राशि शेष मंगल है तो मंगल के मंत्र का जाप करना पड़ेगा, और वो 108 मंत्र का जाप करना, वो छोटा मंत्र है, सटीक मंत्र है, ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, और उसका आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखना होगा कि आपको इस मंत्र का कि जाप करते समय अपनी चित्त वृत्ति की शांति भी बनानी है। आपके अंदर से जो आपकी चित्त वृत्ति है वो किसी प्रकार से इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि इसका यदि आप जाप करते हैं और इस प्रकार की चीजों को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में क्लेश की समाप्ति हो जाएगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। आप लोग के लिए हम ईश्वर से, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ईश्वर से हम जरूर कामना करेंगे कि आपके घर में शांति बने रहे और गृह क्लेश की समाप्ति हो जाए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते, नमस्कार।